सो हे गाइस वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी लोगों का पोकेमॉन थंडर में। तो गाइस फाइनली फ्राइडे के दिन यानी कि 10 फरवरी को पोकेमॉन M2 मास्टर सीरीज के एपिसोड 5 यानी कि पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 141 रिलीज हो चुका है, जिसमें एस के तीनों ओजी स्टार्टर पोकेमॉन रिटर्न आए थे। एस के चार्जर, एस के बल्बसोर और एस के स्क्वाटल भी हमें रिटर्न आने को मिला है इस एपिसोड में। एंड इस एपिसोड की शुरुआत में ये तीनों ओजी स्टार्टर पोकेमॉन लड़ाई कर रहे थे, लेकिन जैसे एपिसोड आगे बढ़ते इन तीनों का बॉन्डिंग हमें देखने को मिलता है, जो कि काफी कमाल का था बॉन्डिंग इनका। साथ ही में इस एपिसोड में हर एक एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी हमें लैटिस एंडिंग में फिर से दिखाए गए हैं, जो कि अभी भी एस को फॉलो कर रहा है, लेकिन एस को ये पता नहीं है। और लीक्स और रूमर आ रहे हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में एस को पता होने वाला है, यानी कि लैटिस एस के सामने आने वाला है, जो कि एपिसोड 6 में हो सकते हैं, ऐसा लीक्स आ रहा है। वैसे एपिसोड 6 का भी प्रीव्यू आ चुका है, जिसका ब्रेकडाउन आज के इस वीडियो में करने वाला हूं। तो हाँ यार, वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहना। एंड अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को सेट कर देना। एंड अब फाइनली वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस प्रीव्यू में हमें देखने को मिलता है टीम रॉकेट एस मिस्टर ब्रॉक के ऊपर हमला कर दिए थे। फिर जब टीम रॉकेट ब्लास्ट होकर उड़नचू हो रहे थे, उसके साथ पिकाजू भी उड़नचू हो रहे हैं, यानी कि गलती से पिकाजू भी जा रहा है। एंड इसी वजह से पिकाजू एस से बिछड़ जाएगा, और ये पुराने एपिसोड की तरह ही होगा, जैसे कि ऑरेंज आइलैंड में एक एपिसोड था पिकाजू और मेयोस बिछड़ गया था, ठीक इस एपिसोड में होने वाला है। एंड इस एपिसोड में पिकाजू और मेयोस को काफी मुश्किल होने वाला है, देख सकते हो गैराडोस मेयोस और पिकाजू के पीछे पड़ा हुआ है। साथ ही में एस मिस्टर ब्रॉक को भी काफी तकलीफ होने वाला है, क्योंकि एस पिकाजू ढूंढते एक्सपी और एस मिस्टर ब्रॉक के पीछे पड़ जाएगा, जिससे एस मिस्टर ब्रॉक को भी काफी तकलीफ होने वाला है। फिर हमें देखने को मिला है मियोत और पिकाचू कैटीपी से बच रहा है, यानी कि कैटीपी उनको बचा रहे हैं किसी पोकेमोन से। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एस स्काई की तरफ देख रहे हैं और पिकाचू को याद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमें पिकाचू को दिखाया जाता है जो कि एस को याद कर रहा था। एंड यहाँ पे कैटीपी को दिखाया जाता है जो कि कॉल बैक था एपिसोड 3 का, जहाँ पे कैटीपी सोचता है कि वो कब बटरफ्ली बनेगा और पिकाचू तब था वहाँ पे। एंड यहाँ पे पिकाचू सोचता है कि वो एस से कब मिलेगा, यहाँ पे कैटीपी है। तो हमें पुराने एपिसोड का कॉल बैक भी देखने को मिल गया है इस पे। एंड इस एपिसोड में एस और पिकाचू बॉन्डिंग को हमें फिर से दिखाया जाएगा। तो हाँ गाइस, ये था प्रीव्यू में एपिसोड 6 के प्रीव्यू में, जो कि आज की वीडियो में बता दिया। एंड गाइस, एक और प्रीव्यू आया है पोकेमॉन जेन 9 के, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एंड लिस्ट के हिसाब से इस एपिसोड में लैटिस भी देखने को मिलने वाला है, जो कि एस को हेल्प करेगा पिकाचू को ढूंढने में। तो देखते हैं क्या होता है, इसके बारे में आपको क्या लगता है, आपका ओपिनियन आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। तो फिर मैं मिलता हूँ एक और आई का साथ। अंटिल देन, पीस आउट।